बेटों की बात अगर केंद्रीय मंत्री कर सकता है तो आप देखिए वो प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं हम लोग लागू करवा देंगे आयकर विभाग से। इतना आयकर विभाग में प्यारा हो गया है, CBI, ED, आयकर विभाग। अब इस काम के लिए भी उनको काम नहीं बदल देता, ED भी ले लेंगे सर, ED को भी ले लेंगे उसमें आयकर। ED भी आ गया है नहीं सर, लेकिन क्या आप उनको अलाउ करेंगे सर इस चीज के लिए? आयकर विभाग भी है क्योंकि नागरिकता कलेक्टर ये लागू होने लायक ही नहीं है। NRC देश के अंदर NRC और CIAA ये इस देश के अंदर 130 करोड़ के मुल्क का आबादी वाला मुल्क है। जब आप 7-8 करोड़ की आबादी को बल्कि उससे भी कम आसाम के अंदर वहाँ पे आप कामयाब नहीं हो पाए तो क्या मुल्क में कामयाब हो गया? ये खाली ध्रुवीकरण करने की चाल है BJP की, अमित शाह जी की, मोदी जी की चाल है। हर वक्त में ध्रुवीकरण करके रखो, ये आने वाले वक्त में हमें हर चुनाव में फायदा मिले। इतना ध्रुवीकरण कर दो देश को, नफरत के आग में झोंक दो देश को, और ये देश में ये बात ये जितने चाहते हैं कि मंत्र कभी कामयाब होना हम लोग होने देंगे नहीं, ये मैं कह सकता हूँ। इस देश में 39 करोड़ मिले, 61 करोड़ के खिलाफ पड़े हैं। ये क्यों भूल जाते हैं? आपने कानून पास कर दिया पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी है। ये क्यों भूल जाते हैं कि आबादी का 100 में से 39 वोट इनको मिले हैं, 61 वोट के खिलाफ पड़े हैं। तो 61 वोट में कौन है? तमाम मुल्क है पूरा जिनके खिलाफ है, उनकी भावनाओं का इन्होंने आदर क्यों नहीं किया? अगर ये विपक्ष लेते बात करते और उसको अच्छा ही काम करना होता तो बात सबसे बात करते। मैं चाहूँगा कि आप इसको मीडिया की बड़ी भूमिका निभाएं, एक एक शब्द का महत्व होता है। आपने बोला कि ध्रुवीकरण हो रहा है मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं, और मीडिया में आज भी लोग विश्वास है जो छपे हुए शब्द होते हैं, गाँव में देखते हैं कि ये अखबार में छप गया है, अखबार में छप गए मतलब ये तो बिल्कुल सही हो गए होगा। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है मीडिया की, क्रेडिबिलिटी होती है। कृपा करके आप उनकी भूमिका को निभाएंगे। धन्यवाद।